वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो वी गोइंग टू प्रूव दिस लॉ. अकॉर्डिंग टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड. व्हाट इट मीन्स, इफ वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, दैट मीन्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कि जदों आपां एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर अप्लाई नहीं करते, आपां कहिंदे कि एक्सटर्नल फोर्स उत्ते है ही नहीं, दैट मीनस एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट टाइम सिस्टम की जीरो है. जे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मतलब वह लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब होंगे जो एक लाइन के मूव करती है चीज़, ठीक है. लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का जोड़ा कंजर्वड होएगा, ठीक है. एक ही है स्टेटमेंट, आपां इहनू प्रूव करना. उस तो पहले आपां एक डायग्राम नू समझण की कोशिश करते हैं. अपने को दो पार्टिकल है, दो बॉडीज़ आ, एक का नाम ए है, एक का बी है. ए का मोमेंटम मेरे को पी ए होएगा. मोमेंटम जोड़ा वैक्टर क्वानटिटी, तो करके इनू वैक्टर नोटेशन ना लिखा गया. सिमिलरली बी बॉडी का मोमेंटम होएगा पी बी. जिन्ना चिर तक कोलीजन नहीं होंगी, कोलीजन का मतलब समझते हो, स्ट्राइक नहीं करदियाँ आपस के, बिफोर कोलीजन दोनों एक लाइन के मूव कर दें लीनियरली. सो जदों कोलीजन हो रही है, ड्यूरिंग कोलीजन दोवें बॉडीज़ आपस च स्ट्राइक करनगियाँ, यानी कि कोलाइड करनगियाँ. जो आपस टकराउणगियाँ, फिर ए ते बी इन्हां दा कोई मोमेंटम नहीं रह जूगा, ठीक है जी. सो इत्थे फोर्स होएगी ऑन दैट टाइम. सो जिहड़ी ते फोर्स ए तो बी वल होएगी, उहनूं आपां लिखदे हां फोर्स बी ए. इहदा की मतलब है, बी ते फोर्स अप्लाई हो रही है ए वल्लों, ठीक है, तां करके उपर डायरैक्शन भी शो की गई है. सिमिलरली फोर्स ए ते बी दा मतलब है फोर्स ए जिहड़ी आ, सॉरी बी जिहड़ी आ, ए ते अप्लाई हो रही है कदों, जदों कोलीजन हुंदी पई है. एक केस सीगा बिफोर कोलीजन, जदों स्ट्राइक कर गए उहदे बाद, कोलीजन दे बाद वाला केस. आफ्टर कोलीजन असीं कहिंदे आ कि बोथ जो बॉडीज़ हैगियां उहनां दा मोमेंटम चेंज हो जाएगा स्ट्राइक करन तो बाद चों. जदों ते इहनां दा मोमेंटम चेंज हो गया, मान लो जदों चेंज होया, उहनूं मैं पी ए डैश नाल लिखिया ए बॉडी दे लई, बी बॉडी दे लई पी बी डैश दे नाल डिनोट कीता. इहनूं तुसीं पी ए इनवर्स भी बोल सकते हो, डैश भी बोल सकते हो, प्राइम भी बोल सकते हो, जो तुहाडा दिल चाहे, राइट. सो इह सीगी एक डायग्राम कि असी मोमेंटम फाइंड आउट करना, असी किवें कह सकते हैं कि कोई चीज़ जिहड़ी आ उहदा लीनियर मोमेंटम जिहड़ा कंजर्वड हैगा. उहदे लई आपां कोलीजन करवाउंदे आ दो पार्टिकल्स की बेसिकली, ठीक है जी. सो उहदे च आपां कहिंदे आ बिफोर कोलीजन दोनों जिहड़े पार्टिकल आ एक लाइन दे विच, एक डायरैक्शन दे विच मूव कर रहे, उहनां दा मोमेंटम दिता गया. तो जदों कोलीजन हो जाती है, ड्यूरिंग कोलीजन दोनों बॉडीज़ आपस स्ट्राइक करनगियां, उदों उत्थे फोर्स प्रेजेंट होएगी. और ड्यूरिंग कोलीजन के बाद जो आफ्टर कोलीजन द सीन आता, उदो आप कहने उन्हों का जो मोमेंटम वो चेंज हो जाता, ठीक है जी. हूँ आप करना है प्रूफ. प्रूफ के लिए असं कहने कि असी दो बॉडीज़ कंसिडर की ए ते बी, उन्हों का इनिशियल मोमेंटम. ओके, नाउ वन थिंग इज़, जदों बॉडी मूव करना या स्ट्राइक करना स्टार्ट करती है, इनू कहिंदे इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मतलब जदों स्टार्ट हुंदा, ठीक है. सो इनिशियल मोमेंटम हो गया पी ए ते पी बी जदों आपस दे विच ओह कोलाइड कर गए, ठीक है. फिर आपां कहता कि मान के चलो जिहड़ियां बॉडीज़ आ ओह एक कॉन्टैक्ट दे विच आउंदियां, थोड़े टाइम दे बाद ओह सैपरेट हो जांदियां, राइट. स्ट्राइक करन दे बाद अगर आपां बोलदे हां कि कुछ टाइम दे बाद दोनों चीज़ सैपरेट आउट हो जांदियां, टाइम पीरियड गिवन है, उहनूं आपां डेल्टा टी नाल डिनोट करदे हां. अगर सैपरेट आउट हो जाती है, वो बाद आप कहने कि जिड़ा फाइनल मोमेंटम होगा, उन्होंने आप इनवर्स ना डिनोट करते हैं. फस्ट बॉडी के लिए आप लिखा पी ए डैश, सिमिलरली फॉर सैकेंड वन. ये आप कंडीशन दी है बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलीजन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो असी फस्ट बॉडी स्टडी करते हैं, वो आप लिखते हैं एफ ए बी, मतलब फोर्स ए बॉडी तो बी ते अप्लाई करते हैं, ठीक है, विद द टाइम दैट इज़ डेल्टा टी, का इक्वल है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है. इनू आप लिखते इक्वेशन वन. सिमिलरली फॉर सैकेंड बॉडी एफ बी ए, दैट मीनस फोर्स ए अप्लाई हो रही है बी बॉडी पर, राइट. सो उहदा मोमेंटम होएगा पी बी इनवर्स माइनस पी बी. इनू आप लिखते इक्वेशन नंबर टू. नीचे यदि मैं डिस्क्रिप्शन भी दी है कि एफ ए बी जिहड़ा फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है ए तो ड्यू टू बी. सिमिलरली फॉर बी ए, वैन वी गोइंग टू एड दीज टू इक्वेशनस, वी हैव एफ ए बी प्लस एफ बी ए.
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੋਮਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਏ ਬੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਬੀ ਏ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲੋਅ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਐੱਫ ਬੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਗੇਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਫਰਦਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਏ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਬੀ। ਅੱਛਾ, ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਈਦਾ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਏ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੀ ਏ ਪਲੱਸ ਪੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਪੀ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੂਮੈਂਟਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਮੂਮੈਂਟਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੋਮਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੀ ਮੂਮੈਂਟਮ ਏ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਪੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਏ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਏ ਇਨਵਰਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲੋਅ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।